बिग बॉस 14 के 3 नए प्रोमोज सामने आया। दोस्तों आपको मैंने पहले ही खबर बताया था कि सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान कुछ दिन पहले मुंबई की फिल्म सिटिंग में शूटिंग करते हुए नजर आए थे इस शो की। जी हां, बिग बॉस शो के 3 नए प्रोमोज आए, एक में सिद्धार्थ शुक्ला नजर आ रहे। उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी की ज़्यादा सुनी नहीं, मैं अपने दिल की करता रहा और इस वजह से मैं 2019 में बिग बॉस 14 का विनर बना। और कहीं ना कहीं इस बार मैं देखने वाला हूँ कि किस तरह के कंटेस्टेंट आते हैं और किस तरह का टास्क निभाते हैं। वही दूसरे प्रोमो में हम देख सकते हैं कि गौहर खान एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस में नजर आ रही। और गौहर खान ने साफ साफ कहा कि चाहे बिग बॉस का घर हो या जिंदगी सफर हो, वो कभी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। वो बहुत ही स्ट्रांग तरह से जिंदगी को आगे बढ़ती रही जिंदगी में। और कहीं ना कहीं यहाँ पर वो देखने आने वाले कि जो कंटेस्टेंट है वो किस तरह से काम करते हैं, और यहाँ पर कंटेस्टेंट के लिए जो सफर है वो उतना आसान नहीं होने वाला है, इस तरह से संदेश दिया है गौहर खान ने। वहीं आखिरी और तीसरे प्रोमो में हिना खान नजर आई। हिना खान ने साफ साफ कहा कि मैंने दिल से जिससे दोस्ती की वो निभाई, जिसने मुझे खुन्नस दिया उसके साथ मैंने दुश्मनी भी निभाई। और इस बार मैं नजर आ रही हूँ बिग बॉस 14 में, देखती हूँ किस तरह से इस बार के कंटेस्टेंट क्या क्या करते हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा कि वैसे तो जीती कोई और, लेकिन असली जो लोगों के दिल को जीत चुकी थी यानी बिग बॉस की जो असली विनर थी वो मैं थी। हिना खान ने इस तरह से एक टॉन्ट मारते हुए शिल्पा शिंदे को ये प्रोमो आई थिंक बनाया है। तो कुल मिला के तीनों प्रोमो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये तीनों लोग ये शो को बहुत अच्छी तरह से प्रमोट करेंगे, इतना तो तय है। यानी कि इस बार ये साफ है कि बिग बॉस 14 को पहले कुछ हफ्तों में ये 3 महारथी प्रमोट करने वाले, जिससे इस शो में चार से चांद लग जाएंगे और लोगों को ये शो बहुत पसंद आने वाले, इतना हम उम्मीद कर सकते हैं। अक्टूबर 3 से शो ऑन एयर होने वाला है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इन तीनों प्रोमो के बारे में आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। बाय बाय।